नमस्कार, स्वागत है आपका आर9 टीवी के इस खास पेशकश में। नागरिकता कानून के विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है, कई जगहों पर तो हिंसा भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको पता है नागरिकता कानून आखिर है क्या? क्योंकि नागरिकता कानून को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, इसी भ्रम की वजह से कई लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सब भ्रम को दूर करने के लिए आर9 टीवी ने नागरिकता कानून पर लोगों की राय जाननी चाहिए। हैरानी की बात तो ये रही कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं नागरिकता कानून क्या है। कुछ के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे आर9 टीवी की अपील है कि पहले वो कानून को पूरी तरह से जांच ले, समझ ले, परख ले, पढ़ ले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि कानून किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं जाता है, वो चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो। जो लोग हिंसा कर रहे हैं इस मुद्दे को बना करके, सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग देश का विकास नहीं चाहते, वो लोग देश के हित में नहीं चाहते, देश का हित हो वो लोग नहीं चाहते, और वो लोग अज्ञानी है, वो अज्ञानी है। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि कै बोरेनासी है क्या, सबसे पहले उसके बारे में जाने, उसके बाद उसका विरोध करें। मैं मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आप क्यों घबरा रहे हैं, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके इससे कोई नागरिकता या आपको कोई इफेक्ट नहीं करता ये दोनों लॉ, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। भारत के लिए हितकर है और खासकर उन लोगों के लिए हितकर है कि पहले तो जो अमेंडमेंट आया है वो पुराने नागरिकों के लिए नहीं लाया गया है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से वहाँ के सताए हुए जो अल्पसंख्यक, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई, जो वहाँ पर माइनॉरिटी के नाम पर सताए जाते थे, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जिनको प्रताड़ित किया जाता था, वो लोग भारत में आए हैं तो उनका यह बिल स्वागत करता है, उनको अधिकार देने की बात करता है, रोटी, कपड़ा, घर, मकान देने की बात करता है, उन सारे सुख सुविधाओं को देने की बात करता है। इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्र आज उसके समर्थन में है, और उस भ्रम को तोड़ने के लिए जो ये कहा जा रहा था जो विरोध है वो विरोध नहीं है, वो कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र है जो भारत तोड़ने की बात करते हैं। कल का अलीगढ़ मुस्लिम जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर ने कहा है कि 3,500 आई कार्ड पकड़े गए, फर्जी पाए गए हैं, तो यह छात्र नहीं है, छात्रों के छात्र घूमे हुए, यह आतंकवादी है, यह बाहरी तत्व है। नागरिकता कानून जो है ना, ये अपने जो देश में जो यहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं, ठीक है, उनको तो चलिए उनको तो नागरिकता है ही है, बांग्लादेशी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम लोग नागरिकता क्यों दे रहे हैं जी? पहली चीज़ तो उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ का बंदा कहीं कनाडा या पाकिस्तान जाता है तो वहाँ की नागरिकता क्या हमको मिल जाएगी क्या? कहीं नहीं मिलती है। तो हमें तो ये कानून जो है ना, जो बना है, बहुत सही कानून है, कोई गलत नहीं। नागरिकता कानून बवाल होना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ कमी रही है कि उसने इसका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया है जी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए था, और सभी धर्म के हमारे जो भी हमारे गंगा यमुना तहजीब के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनको भी विश्वास में लेकर के उनकी जो भी भ्रांतियाँ हैं उन भ्रांतियों को दूर करके ही इससे समस्या से समाधान हो सकता। नागरिकता कानून पे जो बवाल कर रहे हैं वो अंधविश्वासी, अनपढ़ गंवार, और जिसके पास कोई काम नहीं जी। एक नागरिकता कानून का मतलब है एक देश, एक कानून, एक नियम, एक संविधान। जितने भी हर जगह बवाल हो रहे हैं सब केवल अपनी रोटी सेक रहे हैं, और खाली समय में किसी के पास कोई काम नहीं है, करें क्या? ये बिल तो बिल्कुल सही है, पहले ये 12 साल था, अब 6 साल कर दिया गया है, तो बिल तो बिल्कुल सही है। बवाल वही लोग कर रहे हैं जिनको बिल से परेशानी थी, बाकी आम नागरिक बवाल नहीं कर रहा है। नागरिकता कानून पे बवाल की जो बात है वो हमारे संविधान को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि हमारे संविधान मंदिर, मस्जिद, रामायण, कुरान के हिसाब से नहीं, बल्कि संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, जिसके अपने कानून हैं। और भारत एक पूरे विश्व पटल में भारत नामी है, भारत लोग जानते हैं, क्योंकि वो सेक्युलर कंट्री है,
तो इस हिसाब से सेकुलर कंट्री होने के नाते हम NRC का बिल कुछ सेलेक्टेड धर्म जैसे मुस्लिम को अवॉइड करके हम कर रहे हैं, तो ये गलत है। और यदि जो हम ईसाई जैन और हिंदू को इंक्लूड किए हैं उसमें आखिर हम श्रीलंकाई हिंदू को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, भूटान के क्रिश्चियन क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? सो दैट्स वाई ये जो NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है टोटली गलत है। ये युवाओं को भ्रमित करने के लिए, युवाओं को जो साक्ष्य सवाल हैं उसको कंप्लीट ना करने के लिए CAB NRC लाया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि इसमें जो अफगानिस्तान बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हैं उनको नागरिकता दी जाए अच्छी बात है, यहीं तक है तो ठीक है, लेकिन जब इसको NRC तो जोड़ दिया जाएगा, विषय ये NRC होगी, तो इसमें ये है कि जब यहाँ जो लोग पेपर अपना उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो अगर वो मुस्लिम हैं तो NRC से बाहर हो जाएंगे, और मुस्लिम नहीं हैं तो शामिल हो जाएंगे, तो जो बाहर जाएंगे उनके लिए क्या होगा, तो इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। सर मेरे हिसाब से तो सही है इसमें, जबकि जैसा कि अमित शाह जी ने साफ साफ बोला कि भाई जो भी हमारे हैं लोग उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत है। ये विवाद कोई मतलब ऐसा इसमें विवाद की बात नहीं है, मगर कुछ लोगों को जागरूकता की कमी है। इसमें ये है कि बाहरी लोग जो लोग वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं उनको यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है, जो उनसे यहाँ पर रहने वालों को ना तो कोई चीज़ छीना जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, मगर कन्फ्यूजन की बात है बस। उसमें यह है कि लोगों को जानकारी नहीं है, धीरे धीरे जैसे कश्मीर वाला मुद्दा वैसे जानकारी होती जाएगी तो अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा है कि कोई भी हिंसात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है, हैं? और रहा सवाल प्रोटेस्ट का, तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें, कोई हर्ज नहीं है। और ये जो नागरिकता कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, क्योंकि हमारा देश एक है और डेमोक्रेटिक है, सबके लिए है। देखिए बवाल की कोई बात नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जी, और किसी मसले पर अगर कुछ लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं तो भारत के संविधान में उनको जो अधिकार दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात को रखें सरकार के सामने। हमारा हिंसा में कतई विश्वास नहीं है, और हम आपके माध्यम से सभी लोगों से, देशवासियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हिंसा से दूर रहें, हिंसा से किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलता जी। आपका अपना विरोध है तो उस विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे मिलिए, अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरीके की अराजकता पैदा करने से देश का माहौल ख़राब होता है। आपस में भाईचारा बना के रखिए, मोहब्बत रखिए, जिससे देश का सौहार्द बना रहे और देश विकास के रास्ते पर आगे चल सके। तो ये देश को जो है गड्ढे के अंदर डालना है, सबको मुसलमानों ने भी देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है और सभी कौमों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, सातों कौमों ने, और अपने जी जान से दिल से जो है देश को अंग्रेज़ों को बाहर निकाला। अब ये मोदी और शाह जो है इस देश को खड्डे के अंदर डालना है और देश को बर्बाद कर रहा है। जब से नोटबंदी हुई है देश बिल्कुल खड्डे में चला गया, कारोबार किसी का है नहीं, गरीब और गरीब हो जा रहा है, पैसे वाला और पैसे वाला हो जा रहा है। भारतीय नागरिकों को दोबारा अपना वो देना पड़ेगा प्रमाण पत्र के हम भारत के नागरिक हैं। 1947 के बाद जब यहाँ के बाशिंदे हैं तो उन्हें दोबारा से ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, उसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, दोनों कम्युनिटी को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं गरीब किराएदार मकान मालिक कि जो किराएदार हैं वो मकान ही बदलते चले आ रहे हैं सदियों से, तो वो कैसे सिद्ध करेंगे साहब कि वो वहाँ के बाशिंदे हैं भारत के? इन्हें क्या माहौल उड़ा रखा, जो रूह है आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसको ये मजरू कर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आए साथ कहना साहब हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं जो जुल्म हो रहा है और उनको हम यहाँ पर नागरिकता देंगे, क्या माहौल बना रहे हैं? अब 10 लाख तमिल जो हैं वो श्रीलंका में पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? और जो नेबर कंट्री हैं म्यांमार हैं ये हैं उसमें क्या होगा? उसमें चलो म्यांमार में आप क्रिश्चियंस को अलाउ करो, लेकिन ये इनका मेलाफाइड इंटेंशन है जो चलने वाला नहीं है, देश इसको समझ रहा है। और ये हिंदू और मैं चलिए जो 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 हैं साधन संपन्न लोग हैं वो तो सब दिखा देंगे, लेकिन जो गरीब जनता बिल्कुल गरीब जिनके आधार कार्ड भी नहीं बने उनका क्या होगा? वो डिटेंशन सेंटर्स में जाएंगे? तो ये जो है ये जुल्म है। संविधान कहता है कि इस देश में सर्वधर्म संभाव यानी सब धर्म के समान लोगों को साथ में मिलजुल कर रहने का अधिकार है,
कोई भी कानून किसी धर्म जाति विशेष को बनाकर नहीं देखना चाहिए और ना उस धर्म जाति के चश्मे से सरकार को किसी को देखना चाहिए। सरकार ने जो कानून बनाने का काम किया है उसमें सरकार कह रही है कि किसी कुछ धर्म और कुछ जाति विशेष के लोगों को ही इसमें जो सिटीजनशिप दी जाएगी भारत सरकार अगर वो आना चाहते हैं। एक धर्म विशेष यानी मुसलमानों को सूची में उन्होंने नहीं रखा है। इस संबंध में हमारा ये कहना है कि जो भारत सरकार का जो संविधान है भारत का, उस संविधान की मूल भावनाएं कहती है कि हम सबको किसी धर्म जाति के चश्मे से नहीं देखेंगे। सबको भारत में रहने का अधिकार है, सबको भारत के कानून के अनुरूप यहाँ काम करने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, और भारत सरकार उसके खिलाफ कानून बनाकर एक धर्म विशेष को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। सनातन धर्म के लोगों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का नाम लेते हैं। ये देश हर जाति हर धर्म का है, और जो लोग जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, जिन्हें बांग्लादेश चाहिए था वो बांग्लादेश चले गए, जिन्हें अफगानिस्तान चाहिए था अफगानिस्तान चले गए, और जिन्हें श्रीलंका चाहिए था वो श्रीलंका लेकर चले गए। हमें भारत चाहिए, हम भारत में रहते हैं, और भारत की एकता के लिए अखंडता के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देते आए हैं और देते रहेंगे। जामिया के अंदर उसी बात को लेकर के जो मुजाहिरा हुआ, एहतजाज किया, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि पुलिस तो जो रक्षक हुआ करती है, पुलिस ने तो वहाँ पर गुंडागर्दी का रोल निभाया। पुलिस तो रक्षक होती है, वो तो एक दूसरे को समझाती है, बताती है, ठीक है माना वो बच्चे थे, वो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था, लेकिन पलट में जो पुलिस ने वहाँ पर जो एक बर्बरियत का क्या नाम नाश दिखाया है, जो खेल खेला है, वो तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपके हिसाब से क्या गलत है? बहुत गलत किया उन लोगों ने। हाँ, जिन लोगों ने ऐसा कुछ गलती की थी उनको पकड़ा जाता, उनको जज किया जाता, उनको तलाश किया जाता, लेकिन एक तरफा बच्चियों के साथ भी उन्होंने बहुत ज्यादती की है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम मासूम। आप इस बिल का विरोध करते हैं? मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ इस बात को लेकर के कि इसमें सब लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। जो कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है उसमें केवल मुस्लिम समुदाय को जो बाहर रखने की बात की गई है, इसलिए बवाल मचा है। जब हमारे भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें सभी धर्मों को समान अधिकार देने की बात की गई थी, तो इसलिए ये गलत तरीके की बयानबाजी करके माननीय गृह मंत्री साहब ने देश में आग लगाने का काम किया है। इन्होंने एक अपना नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास। जब ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, कुछ चंद लोगों के हाथ में हिंदुस्तान को दे रहे हैं, तो ये कहाँ सबका साथ और सबका विकास है? इन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, आज इन्हीं के विधायक इन्हीं के मंत्री अपनी ही बेटियों से रेप कर रहे हैं, ये कहाँ सबका साथ सबका विकास है? और जहाँ नागरिकता का मामला है, तो जिनके बाप दादाओं ने अपनी कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को कहीं से कहीं पहुँचाया, आज उनकी औलादों से पूछते हैं कि आप अपनी नागरिकता दीजिए। तो हम इस बिल का बायकॉट करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बवाल की वजह अलग अलग लोग समझ सकते हैं, बट मेरा जहाँ तक सोचना है वो ये है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली वो पार्टी जो आज क़यादत में है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, जब वो ये बात कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब CAB के मुद्दे पर या NRC के मुद्दे पर वो खुलेआम ये बात कहते हैं और ये रखते हैं के मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य जो भी धर्म के लोग हैं उनका हम स्वागत करते हैं, उन्हें हम नागरिकता देते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें ये खौफ रहता है, हमें ये डर सताता है कि हम हिंदुस्तान में दोयम दर्जे का नागरिक तो नहीं बनाने जा रहे हैं। निर्दर्शन एक तरीके से लोग अपने उनका मानना है कि हम NRC को लागू नहीं होने देंगे, इसलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें कुछ लोग इसका सियासी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखें, और जिस तरीके से ये NRC CAB लागू हो रहा है उससे लोगों में डर है, तो सरकार को कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे विपक्ष को मौका मिले और जो है लोगों में कुछ हीन भावना अपने आप में महसूस करें लोग। कोई कार्य सरकार ऐसा ना करे। हिंसा तो गलत चीज़ है, चाहे कहीं भी हो, किसी तरह की भी हो, क्योंकि इससे देश का नुकसान होता है। लेकिन कानून को वापस लिया जाए, इससे मुस्लिमों में भय है, इसलिए कि NRC के जरिए कहीं हमें वापस कहीं शरणार्थी उसमें ना भेज दिया जाए, इसलिए देश का हर नागरिक बराबर का हकदार है। पहले तो काला कानून है और इस काले कानून की ही सब लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो लोग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सारे लोग इसका एतराज़ जताते हैं। क्यों? क्योंकि ये काला कानून है, लोकतंत्र की हत्या है, और ये हम किसी हाल नहीं होने देंगे। और इसमें जो भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो हर इंसान
कर रहा है, अपने हक की मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। ये हम 70 साल पुराने 80 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? मेरे पास नहीं है, हमारे यहाँ मोहल्ले में नहीं है, हमारे यहाँ पर किसी पर नहीं है, तो कहाँ से हम सारी ये आईडी डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? NCAA कानून को लेकर जो लोग भी बवाल कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उनको पता ही नहीं है कि CAA कानून है क्या। जितने भी हम तो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो भी लड़के इस तरह का जो एकदम यंग जनरेशन जो ये बवाल कर रहा है, CAA का मतलब अगर उनको अपने सेल्फ वो जान जाए तो बवाल नहीं करेंगे। वो किसी दूसरे की कही हुई बात को दूसरा कह रहा है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो तुमको ये नुकसान होगा, ऐसा धिक्कार है ऐसे पढ़ने वाले नौजवानों को, धिक्कार है ऐसे युवा वर्ग को। NRC के बारे में बताएंगे? NRC तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। NRC तो अपने देश, अगर हम देशभक्त हैं तो हम देश को प्रेम करते हैं तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कहेंगे कि हाँ ठीक है NRC लागू होनी चाहिए। ये तो देश की बात है सर। और जो लोग भी मतलब हम तो युवा वर्ग से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के जो कल से हम देख रहे हैं दिल्ली में अपने हर जगह जगह बवाल हो रहा है, सिर्फ मेरा विनम्र निवेदन है उन बच्चों से कि इतना हायर क्वालिफिकेशन इतना अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि ये CAA है क्या। दूसरा कह दिया, कौवा कान लेके गया, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और मुस्लिम बगल के जो तीन कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वहाँ रहने वाले, वो देश ही इस्लामिक कंट्री है, तो उनको हमें यहाँ शरण देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वहाँ पे वो महफूज हैं। हमारे यहाँ बाकी लोग आ रहे हैं जो जिनका धर्म वहाँ पे नहीं है और उन्हें यहाँ पे भारत में संरक्षण दिया जा रहा है और ये स्वागत योग्य है। ये देश का दुर्भाग्य है कि नागरिकता पर बवाल हो रहा है। जो नागरिक हैं उनको आपत्ति नहीं है, जो नागरिक के तथाकथित ठेकेदार हैं जिन्होंने देश को अब तक गुमराह किया है, देश की जनता जब जगी है और देश की जनता ने एक उचित मजबूत समझदार हाथ में सरकार सौंपी है और वो देश के हित में लगातार निर्णय किए जा रहे हैं, इससे हताहत इससे घबराकर कांग्रेस और विपक्षी दल जनता को बरगलाने काम कर रहे हैं। नागरिकता कानून से किसी भी अल्पसंख्यक का, भारत के किसी भी नागरिक का और भारत की संविधान में जिसकी भी पूरी आस्था है, ऐसे ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इस धर्मनिरपेक्षता पर कोई भी संकट नहीं आने वाला है। कांग्रेस बेईमानी पर उतारू है और वो अपने 70 साल के पाप से जो जनता जागरूक हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, उस पर वो कुठाराघात करना चाहती है। नागरिकता पर बवाल वही कर रहे हैं, वो आम जनता नहीं कर रही है, ये नेता बरगला रहे हैं और देश को उकसा रहे हैं। बवाल इसलिए मचा है कि देखिए, इन्होंने कहा है कि दूसरे देशों से जो कम्युनिटी आएंगी, जैसे हिंदू हैं, वो हैं सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको तो यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी, अगर मुसलमान होंगे उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको वहीं भेजा जाएगा। तो इस पर विरोध ये है कि आखिर हमारे साथ ये इम्तियाज़, ये बर्ताव क्यों किया जा रहा है? बवाल तो सर इसलिए मचा है कि उसमें अगर मुसलमानों का नाम आ जाता तो ज़्यादा बेहतर था। मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाने की तैयारी की जा रही है जिससे हम लोगों को एतराज़ है। हम यहाँ के नंबर वन शहरी हैं, रहेंगे इंशाल्लाह, इस चीज़ से हमें कोई रोक नहीं सकता। ये बिल टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 अगर आपने पढ़ा होगा, जितने भी धर्म हैं उन सभी को बराबर की जो समानता मिलनी चाहिए, ये जो बिल है बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें एक खास कम्युनिटी को बिल्कुल अलग किया हुआ है। रीज़न उसका ये दिया हुआ है कि ये प्रताड़ित होकर आए हैं, जैसा कि अभी भाई ने कहा रोहिंग्या भी तो प्रताड़ित होकर आए हैं, तो उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? रीज़न ये है, हमें NRC से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर डॉक्यूमेंट चाहिए हम देने को तैयार है, लेकिन आपने देखा कि एक खास कम्युनिटी ज़्यादा नंबर आ रहा है जब उन्होंने आसाम में किया गया, अब उसमें संशोधन ये किया गया कि हम एक खास कम्युनिटी को नागरिकता नहीं देंगे और बाकी सभी को उसके अंडर कर दिया है, ऐसा क्यों? रीज़न क्या है, वजह क्या है, आप इतना डरते क्यों हैं हम लोगों से? आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगी हुई है, आज पूरे मुल्क के अंदर जो है इस तरह के मामला किए हुए हैं, आप धर्मों का नाम ले लेकर और एक्ट बना रहे हैं। इस तरह ये मुल्क नहीं चलता है, इस तरह कोई कमेटी चलती है, इस तरह कोई घर की पंचायत चलती है? देश को और किसी सूबे को और किसी गांव को भी चलाने के लिए सारे लोगों को जोड़कर चलना पड़ता है, अच्छे बुरे कमज़ोर
ताकतवर औरत मर्द बच्चे जवान बूढ़े सबकी राय लेकर जब काम करना पड़ता है, ये कोई काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं जल्दी हर काम की करने की, ये सोचते ही नहीं है। ये तो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इस काम को ऐसा कर दें कि देश में आग लग जाए, लोगों में दिलों में फूट पड़ जाए, लोग जो है एक दूसरे से नफरत करने लगे, ये कोई हिंदुस्तान नहीं है। आप किसी को भी उसके मजहब के नाम पे कानून नहीं बनता है, कानून बनता है सबको इक्वलिटी का दर्जा दिया गया है। तो इसमें अगर लोगों की बहस करवा लेते उसमें थोड़ा टाइम लगता, सब लोगों को सुन लेते और सब मुतमईन होते, उसके बाद बिल पास हो जाता। इसीलिए उधम मच रहा है कि इस उधम मचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यही नहीं पता कि ये कानून आ रहा है, जब लिस्टेड नहीं है और आपने इतनी जल्दी फैसला ले लिया और कानून बना लिया तो उस जाहिर है उधम मचना तो संभाविक है। और सिर्फ ये राजनीति हो रही है वोटर की वोटों की वजह से, क्योंकि सबको पता है कि अब इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन है उसमें ताकि हिंदू मुसलमान का बंटवारा कराया जाए, और सब बीजेपी करा रही है, ये किसी ने नहीं कराया, हिंदू मुसलमान कोई ना लड़ रहा है और सभी लोग कह रहे हैं, आज सारा हिंदुस्तान मिलके कह रहा है कि ये गलत फैसला है। जब तक किसी चीज़ को सब लोगों की राय से ना हो वो फैसला नहीं होता है, सबकी राय लेनी चाहिए। अगर ये है कि हमारा मतलब हम बहुत ज़्यादा मतलब जीत गए और बहुत ज़्यादा हम पार्लियामेंट में हमने बहुमत मिल गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास करा लें। ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है और ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी को एलिनेट करने के लिए बनाया गया है और अदराइजेशन की पॉलिटिक्स है इसमें पूरी इन्वॉल्व, तो ये इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ इस बिल का। नागरिकता कानून पे बवाल तो है लेकिन देश में जिस प्रकार से मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा और जामा मिलिया में जिस प्रकार से बजाया गया है, ये बिल्कुल जो है विरोध है। मैं समझता हूँ इस पे बवाल इसलिए है कि चूंकि कोई भी कानून अगर कोई देश में बनता है किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लिए अगर बनेगा, एक धर्म के लिए तो आप दूसरी तरह से कानून बनाओगे, दूसरे के लिए अलग सुविधाएं दोगे, तो इस पर बवाल होना लाजमी है। नागरिकता कानून पे बवाल यूँ है क्योंकि इसे धर्म के नाम पे किया जा रहा है। जो लोग बाहर से आए हैं, जो बाहर से आया हो तो सब एक ही समान से माने जाने चाहिए, उसमें इन्होंने धर्म के नाम पर किया जा रहा है। अगर आप एक चीज़ और देखें, अगर म्यांमार से कोई क्रिश्चियन आ रहा है तो उसको ये नहीं ले रहे हैं भाई। आप अगर क्रिश्चियन को ले रहे हैं तो सब जगह से लें कि जी अफगानिस्तान से होगा तो ले लेंगे, बांग्लादेश से होगा तो ले लेंगे, पाकिस्तान से होगा तो ले लेंगे। जब ले रहे हैं तो सब जगह के लें और जब नहीं ले रहे हैं तो किसी के भी नहीं लेना चाहिए। तो ये तो सरासर गलत है और जो जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये टारगेट कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैडम नागरिकता बिल पर बवाल तो अनियमितता के कारण है, मेन तो बेईमानी है, दिल में कहीं ना कहीं छेद है, सुराख है, वो इस तरह का कि आप कहीं ना कहीं दिल में आप फरेब रखते हैं। फरेब मीन्स आपने जैन बौद्ध सिख ईसाई सबको तो आपने नागरिकता देने का वादा कर लिया, लेकिन मुसलमान ही को क्यों नहीं? नागरिकता कानून पर बवाल इसलिए है कि जो जब वो हर एक वर्ग के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं तो मुसलमानों को भी देनी चाहिए, उनका भी तो हक है, जितना हक उन लोगों का है उतना ही हक मुसलमानों का है। अगर बीजेपी सरकार ये चाहती है कि मुस्लिम लोगों को कहीं भेज दें, यू नो इंडिया में नहीं चाहते, या अगर वो लोग बाहर से भी कोई आ रहा है तो उनको आईडी चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर यूएई, सब जानते हैं आज दुबई में कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, अगर ये लॉ बाहर की कंट्रीज़ भी फॉलो करें तो आप कहाँ लेके जाएंगे अपने उनको? इंडिया में तो ये चल रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं, हमें आप कहीं भी भेजने चलें, अगर आप हमें कहीं भेजना चाहते हैं ठीक है, लेकिन आप कहाँ लेके जाएंगे? अगर यूएई ने, सऊदी ने, कतर, कितनी सारी, मलेशिया है, इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये लॉ अगर अपना लिया फिर आप लोग क्या करेंगे? नागरिकता बवाल इसलिए है इनको वोट बैंक चाहिए, ठीक है, और वोट बैंक इनको सिर्फ इनको पता है कि हिंदू से ही मिल सकती है और उनको उतनी ही चाहिए, ठीक है, इसलिए इन्होंने दोनों को लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम को, और उसके लिए एक के बाद एक बिल लेके आ रहे हैं। पहले तो ट्रिपल तलाक लाए, तीन चार और लाए, मुस्लिम कुछ नहीं बोला, ठीक है, वो चुपचाप देखते रहे, पर अब तो हद ही हो गई, अब तो अब देश से निकालने की बात आ गई, ठीक है, अब इस पे अगर वो नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? यहाँ पे हम जिंदगी भर रहे, हमारे पूर्वज यहीं पर रहे, लड़े मरे, सब कुछ यहीं पर हुआ, अब इस पे हमें उनको सबूत देना है कि हम ही के हैं, हम नहीं पैदा ही हुए, सब कुछ ही हुआ, अब इसका सबूत कहाँ से लाए हम?
R9 टीवी सभी देशवासियों से अपील करता है कि वो अफवाहों के झांसे में ना आए, नागरिकता संशोधन कानून की बारीकियों को समझें। यह कानून भारत में रहने वाले किसी भी धर्म के नागरिक के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं पैदा करता है। कुछ लोग एक खास समुदाय को झूठी बातें बताकर भड़का रहे हैं, कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें। जी हाँ, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, CAA कानून को समझने की ज़रूरत है। आपने देखा, हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाई और आधे से ज़्यादा लोगों को ये भ्रम है कि वो इस देश के मुसलमान हैं और अगर ये कानून लागू हो जाता है तो उन्हें बाहर देश में भेज दिया जाएगा। यही कन्फ्यूज़न है, यही भ्रम की स्थिति है और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सियासतदान या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो उठा रहे हैं। तो पहले कानून को समझिए, परखिए और फिर आप इस पर विरोध भी दर्ज कराना है तो दर्ज कराइए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। फिलहाल हमारे खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।